टूरिस्ट पूरे के पूरे मजे कर रहे हैं, देख सकते हैं खड में जा जाके किनारे जितने भी गए थे उन सभी को भगाया जा रहा है यहाँ से। और आज सभी को नीचे से भगाया जा रहा है क्योंकि सेफ्टी के नज़रिए से कोई भी दुर्घटना हो सकती है। मैं तो सभी को कहता हूँ फ्रेंड खड से दूर ही बैठिए, अन्यथा कोई भी दुर्घटना हो सकती है अगर आपको तैरना नहीं आता है तो। इसलिए जब भी चिल करना है तो दूर से ही करें क्योंकि मौज लगी है, देख सकते हैं। आने का कि अपनी खाने पीने की चीज़ें ले आओ और बैठ जाओ यहाँ। देखो ये आलसी बंदों की गेम है कि बोल को बांध के रखो। ये 360 व्यू इसका अंदर का, यहाँ बांधे जाते हैं मुजरिमों की तरह और घुमा के दो, एक ही साइड चढ़ेगा और एक ही साइड चढ़ेगा बस। फिर हाथ से ऊपर से पकड़ के रखो इसे ऊपर दली साइड से ताकि बैलेंस बना रहे। हेलो फ्रेंड, वेलकम माय चैनल के पड़ी। तो कैसे आप सभी, आई होप सभी मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और बहुत ज़बरदस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त है। ब्लॉग तो सारे ही ज़बरदस्त होते हैं, मेहनत तो सभी में ही बराबर लगती है फ्रेंड। पर हाँ, आज थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कि अभी भी वीकेंडों में वीकेंड क्या रोड में फिलहाल टूरिस्ट आ ही रहे हैं। पहले आते थे जैसे हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, जहाँ से भी पंजाब, वहाँ से ज़्यादा आ रहे थे। अभी ज़्यादातर मुझे लोकल टूरिस्ट लग रहे हैं, जैसे कि कांगड़ा हो गया या धर्मशाला हो गया, या तो आप मंडी ले चलो, सुंदरनगर ले चलो, अमीरपुर ले चलो, बिलासपुर ले चलो, वहाँ से लोकल टूरिस्ट आना शुरू हो चुके हैं। तो देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी भीड़ लगी है। तो आज के ब्लॉग को पूरा मज़े के साथ इंजॉय करें। और देख सकते हैं सराजी भाई आज कुछ दूसरे ही मूड में लग रहे हैं मुझे। कॉफ़ी के मूड में थे पर खाली है ना अभी तक। खाली अभी लिया भी कहाँ से, ये देख सकते हैं जहाँ से हमने गाड़ी परचेज़ की है वहीं से ये कप आज गिफ्ट में मिला हुआ है, ताकि भैया आप लोग औरों को भी बताएं, सराजी भाई को भी बताएं कि गाड़ी ले लें आप। इतना ही जरूर इनका मोटिवेशन में, गाड़ी के लिए पूरा मन बना चुके हैं। अब लेते कब है, लेते कब, बहुत ही जल्दी आपको गाड़ी वाला ब्लॉग भी आएगा। बिल्कुल आएगा, अब धीरे धीरे सपने पूरे होंगे क्योंकि उसमें भी आपको हम दो ही नजर आएंगे। हम गाड़ी होंगे, मैं निकला गड्डी लेके तो रस्ते पे एक मोड़ आया। वो नहीं यार, मोड़ तो बहुत सारे आएंगे, पहले तो आया पहला मोड़ आया, वो मोड़ ही मोड़ होंगे। तो इसी के साथ ब्लॉग को आगे चलाते हैं और बताते हैं कि कौन से हाल में चले हुए हैं। और ये देख सकते हैं भाई साहब भी हमारे ब्लॉग में अभी शामिल हो चुके हैं। जय शंकर सभी व्यूअर को जय शंकर जी बोल रहे हैं भाई साहब। तो देख सकते हैं भाई साहब आए कहाँ से, हम पंजाब से हैं। ये पंजाब से आए हुए हैं हमारे गोट वैली में घूमने के लिए। तो देख सकते हैं पूरा एंजॉय कर रहे हैं फिलहाल, है ना। कैसा लग रहा ब्रोट आके? बहुत अच्छा लग रहा, पीसफुली बस वैली को ही देख सकते हैं ब्रोट में आके कि नेचर किस हिसाब से। पहली बार आए भाई साहब, दूसरी बार आए हैं और भाई साहब पहली बार आए हो? मैं भी दूसरी बार आया हूँ जी। भाई साहब भी दूसरी बार, मैं भी पंजाब से, दीनानगर तारागढ़ से। लोग फैमिली के साथ भी आ रहे हैं और अपने भाईचारे के साथ भी आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, भाई साहब को जब भी ब्लॉग आए, जय शंकर। तो फ्रेंड देख सकते हैं काफ़ी उत्सुक है लोग रोट वैली में आके और पूरा चिल कर रहे हैं। हाँ, कोई जो भी आया फ्रेंड, हाँ मैं इतना ही कहूँगा, हमारे पहाड़ों में थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, कितनी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कोई भी गंद ना फैलाएं। बस जितना कचरा खुद के साथ लाए हैं उस कचरे को या तो एक जगह इकट्ठा करके जला दें, या तो जहाँ भी कचरे का रखने की जगह है वहाँ पर उसे फेंक दें, कहीं इधर उधर ना फेंकें। क्योंकि मैं बहुत जगह देख रहा हूँ यहाँ पर कि हर जगह पतले पड़ी हुई है, हर जगह गिलास पड़े हुए हैं, डिस्पोजल पड़े हुए हैं, बॉटल पड़ी हुई है वन टाइम यूज़, तो वो ठीक नहीं लग रही है। मेरे अपने पर्सनली बता रहा हूँ फ्रेंड, तो उसे दूर ना फेंकें, बल्कि जहाँ पर भी कूड़ादान रखा हुआ है वहीं पर ही फेंकें। इतनी एक रिक्वेस्ट है सभी से। तो पहाड़ों में आए आपके बिना पहाड़ सुने ही हैं, जब आप लोग आएंगे तभी यहाँ की खुशहाली बढ़ेगी और लोगों का जो भी कारोबार चलाएगा वो भी चलता रहेगा। ऐसा नहीं कहता हूँ कि ना आए, हाँ बट वीडियो में आप जिस तरह से प्यार देते रहते हैं उसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें और हमारी वीडियो के माध्यम से आप पूरा आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल, आप अप टू डेट रह सकते हैं ब्रूट वैली का जो भी है। तो एक बार चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको पता ही होगा, अप टू डेट आपको ब्रूट वैली की मिलती ही रहेगी एनी टाइम एनी वे। ये नक्शा लगा हुआ है यार, यहाँ
रोट वैली में, जहाँ टूरिस्ट पहुँचते हैं उस हिसाब से ये एडवर्टाइजमेंट की जाती है। ये देख सकते हैं आप सब, ये पूरा ग्राउंड के सामने ही लगा हुआ है इवेंट, और ये ग्राउंड टूरिस्ट काफ़ी मात्रा में अभी भी यहाँ पहुँच रहे हैं, येलो अलर्ट होने के बावजूद भी फिर भी। घाट के किनारे जितने भी गए थे उन सभी को भगाया जा रहा है यहाँ से। ये साइड में थे लोग, ये पैर का पैर देख लिया अंदर था, अब पड़ाते हैं। ये देखिए जितने भी घाट में घुसे हुए थे सभी को ऊपर भगाया गया। टाइम से आ गए तो बाहर नहीं रख लेना है ना, आ जाइए पे अपरा तपरी का मौत ये टूरिस्टों की मौज लगी है, देख सकते हैं। यहाँ एक फायदा है आने का कि अपनी खाने पीने की चीज़ें ले आओ और बैठ जाओ यहाँ तसल्ली से, और यहाँ पर प्लेइंग कर सकते हैं, खेल सकते हैं आप लोग क्रिकेट, और गाड़ियाँ देख सकते हैं, और एक ग्राउंड। ये व्यू को देखिए एकदम ज़बरदस्त, और मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा हो रखा है क्योंकि मौसम अभी बादल हुए हैं, तो मौसम ठंडा ठंडा हुआ है, तो देख सकते हैं आप ये व्यू है। और इस व्यू के बीच में मैं ये खड़ा हुआ हूँ, देख सकते हैं, जो कि मेरा सेंटर पॉइंट है अभी यहाँ पीछे, ये चहल पहल लगी हुई और ये ग्राउंड में मैच चला हुआ है, और जो भी जितनी चहल पहल है यहाँ पीछे लगी हुई है, देख सकते हैं ये पूरा का पूरा 360 व्यू है मेरे पीछे का। ये देख सकते हैं ये माता दुर्गा का ये मंदिर भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ग्राउंड में गाड़ी सीखने वाले भी आए हुए हैं, देख सकते हैं स्कूटी को सीखा जा रहा है यहाँ ग्राउंड पर, सभी एक्टिविटियाँ हो जाती है कुल मिला के। और ये बॉल जो है ऊपर से आएगा अभी यहाँ नीचे, तो देख पाएंगे आप इसके अंदर आदमियों को डाल के नीचे पहुँचाएंगे। ये बॉल के साथ आप एक्टिविटी कर सकते हैं यहाँ पर, तो देख सकते हैं कहीं इधर उधर ना बॉल जाए उसके लिए इसे पकड़ के रखा जाता है, अब छोड़ दिया गया है कि फ्रीली आप नीचे जा सकते हैं। ये देखिए ये अंदर मेरे हिसाब से क्या फीलिंग आ रही थी इसको तो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि उल्टे और सीधे हो रहे हैं घड़ी घड़ी, ऐसे ना कि किसी को उल्टी हो जाए और दूसरे के ऊपर गिर जाए, सोचो कौन सी फीलिंग होगी उस टाइम। ये देखिए बॉल अब नीचे पहुंच चुका है, मेरे हिसाब से बॉल में थोड़ी सी हवा कम लग रही है, क्या बोलते हैं सराजी भाई? थोड़ी कम तो है, थोड़ी कम हवा लग रही है क्योंकि बैठ गया देख, और यहाँ हम खड़े हुए हैं। सराजी भाई क्या फीलिंग आ रही है, आपने भी करनी है एक्टिविटी? नहीं हमें चक्कर आता है कहीं उल्टी का मन नहीं करे, उस फीलिंग को सोचो कि कहीं उल्टी हो गई बस और दूसरे बंदे के ऊपर गिर गई, उसी चीज का डर लगता है उसे सोच के मैं तो भाई तोबा तोबा कर रहा हूँ, और अकेले बंदा इसके अंदर जा नहीं सकता, अकेले से तो अनबैलेंस हो जाना चाहिए, अनबैलेंस हो जाए। दो बंदे ही इसमें जा सकते हैं, और दो बंदे ऐसे कि एक सामने एक दूसरे सामने, कहीं एक की जगह दूसरे को भी हो गई तो फिर भी किसी दूसरे फ्रेंड। इसमें ना सबसे बढ़िया मुझे लगता है जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि इसमें ना कपल जाए, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखते रहें एक दूसरे को और घूमते रहें, कहीं बचा ही उल्टी हो गई तो दूसरे का तलाक पकड़ कोई बात नहीं। नहीं नहीं मैं कपल के लिए नहीं करूंगा भाई, मैं नहीं बोलूंगा कि कपल जाए, हाँ उल्टी ना होती हो तो फिर जाए, आप कॉन्फिडेंस देखो बच्चे तो निकले पर। ये बॉल के अंदर से जो छोटे छोटे बच्चे निकले, ये देखिए ये निकल रहे हैं, यही बच्चे अंदर गए थे, क्योंकि बच्चों में ही दम हो सकता भाई, नहीं उल्टी नहीं हो सकती, क्या बोलते हैं? कपल वाला डिलीट कर देना यार अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए पूरी की पूरी फैमिली आई हुई है फ्रेंड आज क्लब रोट में घूमने के लिए, क्योंकि अच्छा मौसम है। देखो यही बॉल है जो जिसके अंदर घुसते हैं बंदे, जॉर्जिंग बॉल, जॉर्जिंग बॉल कहते हैं भाई, आज पता लगा इसे, जॉर्जिंग, जॉर्जिंग का क्या मतलब? इतना तो मुझे पता नहीं है। देखो ये आलसी बंदों की गेम है कि बॉल को बांध के रखो और खेलते रहो। 360 व्यू इसका अंदर का, यहाँ बांधे जाते हैं मुजरिमों की तरह और घुमा घुमा के, तो एक ही साइड चढ़ेगा और एक ही साइड चढ़ेगा,
बस फिर हाथ से ऊपर से पकड़ के रखो इसे ऊपर साइड से ताकि बैलेंस बना रहे संपर्क करें। हाँ इसमें बैठने के लिए एक छोटा सा संपर्क करें भाई इसे संपर्क करें। नियर माता दुर्गा टेंपल के पास ये बॉली बॉल को घुमाया जाता है। कभी भी ब्रोट वैली आए तो आप घूम सकते हैं इसमें। आया तो ढाबों में भी पूरी मौज लगी हुई है क्योंकि खाने पीने का पूरा सामान मिल रहा है। ये गाड़ियाँ देख सकते हैं राजस्थान से भी यहाँ पहुँच रही है आजकल तो। झरने को देखिए अपनी फ्लो में बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये देखिए पूरे देवदार के पेड़ के सामने तक इस झरने का फ्लो चला हुआ है। तो देख सकते हैं पूरा का पूरा झरना पूरे के पूरे पेड़ को कवर कर रहा है और छोटे छोटे बच्चे इसके नीचे नहाने का मज़ा ले रहे हैं। ये देख सकते हैं मेरे तक हवा पहुंच रही है पानी के साथ तो आगे नहीं जा पाऊंगा तो देख अभी जूम करके दिखाता हूं आपको। तो देखिए ये देखिए छोटे छोटे बच्चे पूरा मज़ा ले रहे हैं। अभी धूप भी लग गया तो चिल पूरा ये देखिए कैसे भाग रहे। देखिए देखिए ठंडा पानी होने के बावजूद पूरा नहला दिया भाई पूरा पूरा नहला दिया पूरे का पूरा पूरी की पूरी बारी बारीश ही अपने ऊपर आ रही है देख सकते हैं। ये देखिए हमें देखिए पूरे के पूरे नहा गए और ये सामने ये देखिए पूरा गर्मी से जो जल के आए हुए वो पूरा यहाँ पर पूरा का पूरा मज़ा ले रहे हैं। तो देख सकते हैं आप मैं इतने दूर खड़ा हुआ हूँ फिर भी पूरी की पूरी बारिश के फुहारे मेरे ऊपर आ रही और ये सराजी भाई पूरा शाहरुख खान बने हुए देख सकते हैं पूरा मज़ा लिया जा रहा है भाई। टकले पे भी पानी पानी है। तो ये देखिए पूरा का पूरा ऊपर और ये डीएल की गाड़ियाँ लगी हुई है तो ये पूरा गाड़ी भी फ्री में ही धुलवाई जा रही है और पूरा मज़ा किया जा रहा है। ये देखिए और अपने ऊपर पता नहीं कैमरे में दिखाई दे रहा है या नहीं हमारे ऊपर पूरी बारिश आ रही है बौछारे पूरी की पूरी बौछार भी नहीं भाई ये तो आक्रमण है। और ये सामने देखिए इसे सराजी भाई बौछार नहीं कह सकते आप ये तो आक्रमण है। जैसी बौछार आसमान से पड़ती है ना बिल्कुल धीमी धीमी बौछार जैसे वो सिंगल सिंगल पड़ती है ये जो आ रही ये तो पूरा आक्रमण हो रहा है। ये तो आक्रमण हो रहा है भाई सांस लेने को भी हाँ सांस भी रोकड़ी पड़ रही है थोड़ी देर। गाड़ियाँ देखिए सामने गाड़ियों का हजूम देखिए गाड़ियों की कोई कमी नहीं है। और यहाँ देखिए पूरा देवदारों के पेड़ों को देखिए पीछे कितने बड़े बड़े और कितने खूबसूरत शायद इस बारिश की वजह से हो गया। और ये सामने देखिए टूरिस्ट कितना मज़ा ले रहे हैं बिगड़ने का और अपनी गाड़ियों को बिगाड़ने का। ये देखिए इन गाड़ियों के ऊपर प्रेशर देखिए और बंदों के ऊपर कैसे गिर रहा है। ये देखिए फ़ोटो खिंचवाए जा रहे हैं हर कोई यहाँ आने पर इस झरने को अपने फ़ोन में कैप्चर करना चाहता है तो सभी लोग कैप्चर कर रहे हैं। और ये देखिए पूरे के पूरे भीड़ को देखिए पूरा हजूम लगा हुआ है आज तो वीकेंड का पूरा मज़ा लिया जा रहा है देख सकते हैं आप। ये देखिए पूरा का पूरा कैप्चर करके आपको ब्रोट वैली दिखाई जा रही है फ्रेंड्स आज। ये देखिए ये झरने के नीचे का पूरा हजूम हर कोई मैक्सिमम सभी बंदे अपना फ़ोन निकाल के कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं झरने को कि जब एक बार आए तो पूरा का पूरा कैप्चर किया जाए। तो देखिए पूरा 360 डिग्री व्यू मिलेगा आपको देखने के लिए और बड़ी से बड़ी गाड़ियों में दोस्त यहाँ पहुँच रहे हैं और पूरा ब्रोट वैली का नज़ारा देखिए आप यहाँ से। और ये डाठू पटू रखे हुए लगाने के लिए और सभी साइड भीड़ ही भीड़ यहाँ पर पटू लगाए जा रहे हैं तो इनका भी तरीका होता है लगाने का उसी हिसाब से ये लगा के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखते हैं आप पूरा का पूरा व्यू देखिए फ्रेंड एक नंबर। तो ये देखिए जितने अंदर छाया मिल रही है उतने अंदर टूरिस्ट घुस रहे हैं कहीं भाई जो के ना फंस जाए ध्यान रखिए जो के ना फंसे ये कई दिनों तक तो सोचने ही नहीं जाएगी। ये देखिए फ्रेंड किसी को रिएक्शन होता है जोको से तो यही हमारी आपसे आशा है कि जोको से बचें। और ये फवारा देखिए पूरा मज़ा लिया जा रहा है यहाँ आने का और यहाँ पर टूरिस्टों का हजूम लगा हुआ है देख सकते हैं सभी तरफ टूरिस्ट ही टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं देख सकते हैं हमारे सामने बाएं दाएं और ये आगे पीछे और ये गाड़ियाँ। कल हमने सुना था किसी से कि हम चिल मारने आए हैं बोले चिल मारने आज सुना अभी नहीं कल भी सुना था चिल मारने ज़रूर आए हैं
पहाड़ों को गंदगी ना फैलाएं। सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है दिल से के पहाड़ी की कि गंदगी ना फैलाएं। आप जितने भी आ रहे हैं खुशी से आए, खुशी से यहाँ इंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ आए, दोस्तों के साथ आए, बस पहाड़ों को गंदा ना करें। यही दिल से रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चाबी लगा के रखिए यार, और रिक्वेस्ट करता रहूँगा गाड़ियों में चाबी लगा के ना छोड़े फ्रेंड, क्योंकि कहीं घूमने निकल जाएंगे पीछे से कोई गाड़ी के साथ छेड़छाड़ ना करें। इसलिए तो कोई भी नहीं करता, ऐसे तो देवभूमि है हमारी, ऐसे ही कहीं गाड़ी में चाबी लगी हुई दिखे तो कोई भी कर सकता है। रिक्वेस्ट है आप लोगों से और सचेत करना चाहूँगा सभी को। तो फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें वीडियो को, और जिस हिसाब से और वीडियो को प्यार दिया उसी हिसाब से देते रहें। तो जब तक अगला ब्लॉग नहीं आता तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।